सभी राम कथा प्रेमी बंधुओं को जय श्री राम। आइए भक्तों, आज आपको रामायण की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। पापी रावण मां सीता का हरण करके लंका में ले गया है। श्री हनुमान जी ने मां सीता का पता लगा लिया है और अब पूरी श्री राम सेना लंका पर चढ़ाई करने जा रही है। 100 कोटी का समुद्र कैसे पार करेंगे? समुद्र देव ने ही रास्ता बताया कि आपकी सेना में नल और नील नामक जो वानर हैं, उन्हें वरदान प्राप्त है कि वे अपने हाथों से जो पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वो डूबेंगे नहीं, आप ही तो तिर जाएंगे। बस फिर क्या था, समुद्र पर सेतु बंधन की तैयारी होने लगी। सभी वानर, भालू और तमाम सेनानी बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर लाकर नल नील को देने लगे। नल नील उन पर श्री राम का नाम लिखते और समुद्र में छोड़ देते और वरदान के अनुसार वो पत्थर तैरने लगते। प्रभु श्री राम ये सब देख रहे थे, सोचने लगे यदि कुछ पत्थर मैं भी समुद्र में डाल दूं तो सेतु बंधन जल्दी हो जाएगा और लंका पर चढ़ाई करके सीता को शीघ्र अति शीघ्र छुड़वा लिया जाएगा। प्रभु ने कुछ पत्थर उठाए और समुद्र में डाले, परंतु ये क्या, वे पत्थर तैरे नहीं बल्कि डूब गए। श्री राम जी कुछ हैरान कुछ उदास होकर सोचने लगे। फिर इसके हल हेतु उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान को अपने पास बुलाया और ये प्रश्न पूछा कि हनुमान, क्या कारण है कि तुम लोग जो पत्थर समुद्र में छोड़ रहे हो वे तो तिर रहे हैं, परंतु मैंने जिन पत्थरों को समुद्र में डाला वे तिरे नहीं बल्कि डूब गए। हनुमान जी प्रभु के चरणों में बैठ गए और प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु, ये सब आप ही की लीला है, आप ही की माया है। आप सब जानते हैं परंतु अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। प्रभु, आज यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण है कि आपके नाम लिखे हुए पत्थर समुद्र में तिर रहे हैं और जिन पत्थरों को आपने स्वयं अपने हाथों से समुद्र में डाला वे डूब क्यों गए। पकड़ोगे आप तो तिरेगा वही, जिनको छोड़ोगे ना तो वो तो डूब जाएगा, जिनको पकड़ोगे आप तो तिरेगा वही, वो जिनको छोड़ोगे जिनको छोड़ोगे ना तो वो तो डूब जाएगा। निर्जीव पत्थर ये सागर किनारे, निर्जीव पत्थर ये सागर
श्री राम नाम से तिर गए सारे, निर्जीव पत्थर ये सागर किनारे, श्री राम नाम से तिर गए सारे। नाम के सहारे वो तर जाएगा, नाम के सहारे वो तर जाएगा। जिनको छोड़ोगे नाथ वो तो डूब जाएगा। चरणों में बैठकर हनुमान जी फिर प्रेम से बोले, प्रभु ये आप ही के नाम का प्रताप है, ये आप ही के नाम की माया है, जो मैं तुच्छ वानर आपका कुछ काम कर सके। प्रभु वरना ये 100 योजन का समुद्र मैं एक छलांग में कैसे लांग सकता था, कैसे उस पापी रावण की लंका में मां सीता का पता लगा सकता था, कैसे अशोक वाटिका उजाड़ता, कैसे उस लंका में आग लगाता। प्रभु मेरी कोई भी साथ नहीं है, ये आप ही के नाम का प्रताप है, आप ही की माया है। प्रभु राम राम जपते फूंक दी लंका, असुरों को मारा मचा दिया डंका, राम राम जपते फूंक दी लंका, असुरों को मारा मचा दिया डंका। नाम की महिमा से सब पाएगा, नाम की महिमा से सब पाएगा। जिनको छोड़ोगे नाथ वो तो डूब जाएगा। हनुमत की प्रभु मुस्काए, राम जी हनुमत को गले से लगाए, हाँ सुन बाते हनुमत की प्रभु मुस्काए, राम जी हनुमत को गले से लगाए। भक्त शिरोमणि तू कहलाएगा, भक्त शिरोमणि तू कहलाएगा। जिनको छोड़ोगे नाथ वो तो डूब जाएगा, जिनको पकड़ोगे आप तो तिरेगा वही, जिनको छोड़ोगे नाथ वो तो डूब जाएगा।